हेलो एवरीवन, तो आज हम एसएससी मेंस 2012 में आया हुआ एक सवाल कर रहे हैं जो काफ़ी बच्चे मुझे बहुत बार डाउट भेज चुके हैं। और बच्चों को इस सवाल में डाउट रहना ही है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत आया था, एक लाइन गलत आई थी जिसकी वजह से आज तक ये बच्चों का डाउट रहता है। तो पहले तो हम उस लाइन को ठीक कर लेंगे। अभी क्वेश्चन क्या था, ब्रदर्स ए एंड बी हैड सेविंग्स इन द रेशियो 4:5। उनके पास कुछ पैसा है, कुछ सेविंग उन्होंने कर रखी होगी 4:5 के में। फिर क्या है, दे डिसाइडेड टू बाय अ गिफ्ट फॉर देयर सिस्टर। उन्होंने सोचा जो भी मनी थी उनके पास 4:5 में कि हम अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेते हैं। ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट। अब यहां पे गड़बड़ थी, तो यहां पे क्या गड़बड़ थी, ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट नहीं आना था, उसकी जगह क्या आना था वो मैं आपको बता देता हूं। A is left with, क्या बोल रहा हूं, A is left with, A के पास रह गया था। तो ये ओरिजिनल लाइन आई थी, ये गलत आया था एसएससी में। ओरिजिनल क्वेश्चन जो आया था यही आया था गलत, A spent, जबकि आना क्या चाहिए था, A is left with 2/3, with 2/3 लिख लो, with 2/3 office अमाउंट। अब क्वेश्चन ठीक हो गया, अब एक बार आप खुद दोबारा ट्राई करना, अगर आपने करेक्शन करी है फिर भी नहीं समझ आया फिर ये वीडियो देखना, मैं पहले आपको लॉन्ग मेथड कराऊंगा फिर मैं आपको लॉजिकल ट्रिक बताऊंगा कैसे हम रेशियो की मदद से बहुत जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट बी इज लेफ्ट विद रुपीज 145, देन द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज, भाई गिफ्ट कितने रुपए का था। तो मैंने पहले लंबा मेथड पहले से ही कर लिया ताकि टाइम बचे हमारा वीडियो बनाने में, फिर मैं आपको लॉजिकल ट्रिक साथ साथ करके दिखाऊंगा। मैंने क्या कहा, ए के पास 4x रुपीस थे और बी के पास 5x रुपीस थे, क्योंकि उनके पास सेविंग्स का क्या रेशियो था 4x एंड 5x, और जो अपनी सिस्टर के लिए उन्होंने गिफ्ट लिया उसकी कॉस्ट का क्या रेशियो था, ए ने 3y रुपीस भरे और बी ने 4y, 3:4 में उन्होंने पैसा लगाया था, ठीक है। तो ए के पास कितने रुपए बच गए, 4x माइनस 3y ये बच गए, और बी के पास कितने बच गए, 5x थे 4y खर्च कर दिए, 5x माइनस 4y। अब एक कंडीशन दे रखी है, जो ए के पास बचे थे ना वो 2/3 था, ये मैंने नहीं लाए, ए इज लेफ्ट विद 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, 2/3 ऑफ जो उसके पास अमाउंट था उसका, 4x माइनस 3y इज 2/3 ऑफ 4x, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू 9/4y आ जाएगी। यहां तक समझ आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 9/4y। अब b के पास कितने बचे थे, 5x माइनस 4y, यहां x की वैल्यू लगा दूंगा 9/4y, 5 × 9/4y माइनस 4y, और एक्चुअल में कितने बचे थे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 145। इससे हम सॉल्व करके y की वैल्यू 20 आ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ गिफ्ट क्या है बताइए, 3y इसने भरे थे और 4y इसने भरे थे, तो 3y + 4y कितना हुआ 7y, y की वैल्यू क्या आई है 20, तो 7 × 20 क्या हुआ 140। तो xy की मदद से करेंगे तो हम एग्जाम में 3-4 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ सिर्फ रेशियोज की मदद से करेंगे तो देखना आप कितनी आसानी से इसको जल्दी जल्दी कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिक सीखना पड़ेगा आज आपको। तो ए और बी के पास जो मनी थी वो किस रेशियो में थी, 4:5, जो भी उनके पास सेविंग थी या जो भी उनके पास अमाउंट कह सकते हो 4:5 में था, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गिफ्ट किस रेशियो में है, जो उन्होंने पैसा भरा वो रेशियो क्या है, 3:4, जितने का भी गिफ्ट था, सपोज 7 यूनिट का गिफ्ट था तो 3 यूनिट ए ने भरे थे और 4 यूनिट बी ने भरे थे। ऐसा करने के बाद ए के पास 2/3 रह गया, ठीक है, यहां पे ए के पास कितना रह गया 2/3, इसका 3 पकड़ लो, क्या बोल रहा हूं, इसका 3 पकड़ लो, और रेशियो में ए ने कितना भरा है 3, इसका भी 3 पकड़ लो और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई 3 × 3। नो, ये ट्रिक है, नहीं तो आप ना फ्रैक्शन में फंस जाओगे। तो ये नो आया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो रेशियो नजर आ रही है 4:5, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास लिबर्टी है, यू कैन मल्टीप्लाई ए रेशियो बाय एनी फैक्टर। तो 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45। ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं मैं, रेशियो को क्यों छेड़ रहा हूं, अच्छी वाली रेशियो आया तो सही 4:5, अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, और मैं कुछ नहीं करना चाहता। 36 में से
खर्च करने के बाद गिफ्ट में उसके पास कितना बचा था? 2/3। इसका मतलब 1/3 उसने गिफ्ट के अंदर खर्च किया, 2/3 बचा। 36 का 2/3 बचा तो 1/3 उसने खर्च किया, यानी कि 2/3 यानी कि 24 बचा तो 1/3 उसने खर्च किया। 36 का 1/3 क्या हुआ? 12 यूनिट। कॉस्ट ऑफ गिफ्ट में इसके भैया 12 यूनिट है, लेकिन जो रेशियो दी हुई है उसमें तो 3 यूनिट है। ये 3 यूनिट है, यहाँ पे 12 यूनिट है, रेशियो को तो मेंटेन रखना है 3:4 में, तो 3 गुना में 4, अगर ये 12 है तो 4 गुना में 4 ये कितना होना चाहिए? 16। कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, 12 यूनिट और 16 यूनिट का रेशियो भी तो 3:4 है, लेकिन हमारी वो 1/3 और 2/3 वाली बात भी तो पूरी कर ली है ना हमने, बस खत्म हो गया। बेशक ये रेशियोस डिलीट कर दो, हटा दो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि भैया उनका जो सेविंग का अमाउंट था 36:45 था, 36 यूनिट इसके पास थे, 45 यूनिट रुपये इसके पास थे, उसमें से 12 यूनिट इसने खर्च किए गिफ्ट के अंदर, इसने 16 यूनिट खर्च किए, कोई दिक्कत? तो बी के पास 45 यूनिट थे, 16 यूनिट तो उसने गिफ्ट के अंदर लगा दिए, तो 45-16 बचे कितने बी के पास? 29 यूनिट। और 29 यूनिट की वैल्यू क्या है बोलो? दी हुई है 145। 29 यूनिट की वैल्यू 145 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपये है, एक यूनिट 5 रुपये है, ठीक है। और गिफ्ट की कीमत कितनी है? 16 प्लस 12 प्लस 16 कितना हुआ? 28 यूनिट। 28 × 5 कितना हुआ? 140। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ आ जाती है ना, तो ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा आने वाले वीडियोस में। क्या ट्रिक है? देखो, एक्स वाई से तो कर सकते हो यार, एक्स वाई तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, कुछ हमें नया सीखना है। इसके पास 2/3 बचा था, तो 2/3 का नीचे वाला 3 उठाया, और इस रेशो में क्या था? ए के पास 3 यूनिट था, उसका भी 3 उठाया, 3 × 3 9 कर दिया, और 9 को उस रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास कौन सी रेशो थी? ऊपर वाली 4:5, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 × 36 और 9 × 45। फिर वो 1/3 बचा रहा था, 2/3 बचा रहा था, तो 1/3 खर्च कर रहा था, 36 का 1/3 12 यूनिट उसने गिफ्ट में खर्च किया, लेकिन वो मेंटेन भी तो रखना है, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट भी 3:4 में रखना है मेंटेन। ये 3 है तो ये 4 है, ये 12 है तो ये 16 होना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गिफ्ट कितनी आ गई? 28 यूनिट। अब 45 यूनिट बी के पास थे, 16 उसने गिफ्ट में लगा दिए, तो बचे कितने? 29 यूनिट। और दिया हुआ कि बी के पास तो भैया 145 बचे थे, 29 यूनिट की वैल्यू 145, एक यूनिट की 5, और गिफ्ट तो हमारा 28 यूनिट का, 28 × 140। तो आपको होपफुली ये ट्रिक भी समझ आई होगी, और लॉन्ग मेथड जो एक्स वाई वाला है वो भी समझ आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे कुछ फेसबुक पेज भी हैं, मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज, और BCC बजाज कोचिंग सेंटर। और एक नंबर दे रहा हूँ आपको, 9813646268, ये मेरा पर्सनल नंबर है। दिन में तो मुझे पढ़ाना होता है, सुबह 6:30 से शाम के 6 बजे तक मुझे पढ़ाना होता है, 6 बजे के बाद आप कोई भी अपना डाउट भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका वो डाउट सॉल्व करके आपको भेजूँ। प्लस अगर आपके कोई ऐसा बहुत अच्छा डाउट है, जैसे ये एक स्टूडेंट ने भेजा है, त्रिपुरा से भेजा है, ठीक है, अगर ऐसा कोई डाउट है तो वो भी आप भेज सकते हैं, अच्छा होगा तो मैं उसका वीडियो भी बना के दूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।